हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन जस्ट का, और आज मेरे पास है एम्पावर ब्रांड के स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन्स, जिसकी अनबॉक्सिंग कुछ दिनों पहले वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट टेक यूट्यूबर ने की हुई थी अपने चैनल पर। दिस थिंग हियर, द एम्पावर स्पोर्ट वायरलेस ईयरफोन्स, दीज आर द बेस्ट सेलिंग वायरलेस ईयरबड्स ऑन Amazon। तो आगे वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको मेरा ओपिनियन जिस प्राइस में इंडिया में आपको एम्पावर ब्रांड के स्पोर्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स मिलते हैं, आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन्स रहेंगे या फिर नहीं। इसके लिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बॉक्स मिलता है कुछ इस तरीके से, और अनबॉक्स करने से पहले थोड़ा सा बॉक्स को भी देख लेते हैं। तो सामने की तरफ एम्पावर स्पोर्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स दिया हुआ है। बॉक्स के पीछे जाएंगे तो यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि ब्लूटूथ का वर्जन है 4.1, ऑपरेटिंग रेंज है 10 मीटर, स्टैंड बाई टाइम है 220 आवर्स, चार्जिंग टाइम है 1.5 आवर्स, और टॉक टाइम या फिर प्ले टाइम आपको मिल जाएगा 7 घंटे तक का लगातार इस्तेमाल करेंगे तो। चार्जिंग वोल्टेज इनपुट है 5 वोल्ट का, बैटरी कैपेसिटी है 100 mAh, और साथ में वायरलेस प्रोफाइल्स दिए हुए हैं। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाते हैं कुछ फीचर्स और बॉक्स कंटेंट्स की डिटेल, तो अगर आप चाहें अभी के लिए तो पढ़ सकते हैं, बाकी इन सब की बात तो वीडियो में आगे करने ही वाले हैं। साथ में यहां पर मॉडल नेम और मेड इन चाइना दिया हुआ है, और इस तरफ भी फिर से वही फीचर्स, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वाइड कंपेटिबिलिटी, मतलब कि एंड्रॉयड आईफोन या फिर टैबलेट पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर से कुछ भी नहीं है। अब फटाफट से बॉक्स की सील को करते हैं कट, देखते हैं बॉक्स के अंदर से आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर मेन बॉक्स मिलता है कुछ इस तरीके से, एम्पावर की ब्रांडिंग यहाँ पर भी दी गई है, और इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एम्पावर की ब्रांडिंग के साथ एक कैरिंग केस जो ईवा मटेरियल का बना हुआ है और रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, तो दिखने में काफ़ी सही सा लग रहा है, और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है, तो ट्रैवलिंग के दौरान आपकी काफ़ी मदद कर सकता है आपके ईयरफोन्स को रखने के लिए। नेक्स्ट आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क, तो यहाँ पर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, तो यहाँ पर बताया गया है हेडफोन को केवल आप 5 वोल्ट वाले एडेप्टर या फिर USB पोर्ट के थ्रू ही चार्ज करें, क्विक चार्जर या फिर 5 वोल्ट से ज़्यादा वाले एडेप्टर का इस्तेमाल करेंगे तो हीट या फिर आग भी लग सकती है आपके ईयरफोन में। साथ में यहाँ पर एम्पाव सपोर्ट की मेल आईडी दी हुई है, जिसके जरिए अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन के जरिए कोई इशू आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर दिए हुए हैं वारंटी की डिटेल, 45 डेज की रिफंडेबल गारंटी है, साथ में 24 मंथ्स की आपको सर्विस गारंटी मिल जाती है इस प्रोडक्ट पर। साथ में अगर आप रजिस्टर करते हैं इस प्रोडक्ट को एम्पाव की वेबसाइट पर तो वहां पर आपको 90 डेज की रिफंडेबल गारंटी मिल जाती है, और 30 मंथ्स की आपको आफ्टर सेल सर्विस गारंटी मिल जाती है। तो गारंटी तो काफी लंबे समय के लिए दी हुई है, करीब 2 साल के आसपास तो बड़े आराम से आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ये काफी बढ़िया बात है। साथ में यहाँ पर और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं एम्पावर की तरफ से आने वाले। साथ में यहाँ पर मिल जाती है आपको एक यूजर गाइड, जहाँ पर बताया गया है क्या क्या मिलेगा आपको बॉक्स के अंदर से, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप इसके बटन्स को मल्टी फंक्शनल तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब फटाफट से इस कैरी बैग को ओपन करते हैं, और सारा कंटेंट आपको इसी के अंदर रखा हुआ मिल जाता है। तो मेन ईयरफोन यहाँ पर राइट साइड में रखे हुए हैं, और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है काफी सारी फ्रीबीज और एक्सेसरीज। तो यहाँ पर फटाफट से एक बार नजर डाल लेते हैं, कैरी केस की क्वालिटी अच्छी है, और यहाँ पर सबसे पहले मिलती है आपको एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है। नेक्स्ट आपको मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, जिसमें कि 3 एक्स्ट्रा रबर के पेयर हैं, जो हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइजेस में। एक मीडियम साइज वाला पेयर आपके ईयरफोन के ऊपर फिक्स है, साथ में एक मेमोरी फोम वाला ईयर टिप भी मिलता है, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता है। साथ में एक रबर की कॉर्ड क्लिप भी दी हुई है। सो ईयरफोन को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ईयर टिप्स की क्वालिटी अच्छी है, रबर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपके कानों में पेन वेन नहीं होगा ज़्यादा समय तक अगर इस्तेमाल करेंगे। साथ में ये जो मेमोरी फोम है, ये जनरली देखने को नहीं मिलती है, ये आपके कानों में जाने के बाद आपके कानों की शेप ले लेगी, और जो साउंड है बिल्कुल लॉक हो जाएगा अंदर ही। तो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, लेकिन मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, आउटडोर्स में आप इसका इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इसको लगाने के बाद आपको बैकग्राउंड का कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है। तो कुछ इस तरह से दिखता है आपका पूरा का पूरा ईयरफोन, एम्पाव की ब्रांडिंग दी हुई है एक खास किस्म के मटेरियल के ऊपर, जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। साथ के साथ पूरा का पूरा ईयरफोन है यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर में, और जो केबल है यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्लैट केबल है, टेंगल फ्री है, और पूरा का पूरा ईयरफोन प्लास्टिक का बना हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है।
और ईयरबड्स पर जहाँ पर आपको एम्पाओ की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पर काफ़ी शाइनी मटेरियल है जो काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है। और यहाँ पर आपको एक ईयरबड में देखने को मिलते हैं नीचे की तरफ कुछ डिटेल्स मॉडल नंबर वगैरह के, और अंदर की तरफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और दूसरे वाले ईयरबड पर जो एम्पाओ की ब्रांडिंग है, ये एक बटन है और इसके ठीक नीचे आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और इसके ऊपर एक रबर का कैप दिया गया है। इसकी क्वालिटी अच्छी है बिकॉज ईयरफोन है IPX7 वाटर रेसिस्टेंट, तो थोड़ा बहुत अगर पानी वानी चला जाता है स्वेट वेट से आपके ईयरफोन खराब नहीं होंगे। और इसी ईयरबड के ऊपर की तरफ दिख जाते हैं आपको वॉल्यूम माइनस और प्लस वाले बटन्स, तो सिंपली आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन LED लाइट भी है, तो ये कैसे काम करती है तो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बटन है इसको प्रेस कर रखेंगे तो आपको सुनाई देगा पावर ऑन, और यहाँ पर जो LED लाइट है वो ऑन हो जाएगी। और ये सर्च मोड में ऑन होती है, मतलब कि डिस्कवरेबल मोड में ऑन होती है, तो आप फटाफट से अपने स्मार्टफोन को ब्लूटूथ के जरिए या फिर किसी भी और ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको ब्लूटूथ ऑन करना है अपने स्मार्टफोन का, आपको दिख जाएगा एम्पाओ फ्लेम, सिंपली आपको पेयर कर देना है। और एक बार पेयर कर देने के बाद वापस से अब जब आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपका जो ब्लूटूथ ईयरफोन है कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली जैसे ही पावर ऑन करेंगे, ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद जो LED है स्लो ब्लिंक होती है ब्लू कलर में। और ईयरबड्स को मूवीज़ और म्यूज़िक के दौरान तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ में आप कॉलिंग भी कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर एक माइक भी दिया गया है और जिसकी क्वालिटी अच्छी है। ईयरबड्स पर आपको लेफ्ट राइट के सिंबल्स भी दिए गए हैं, साथ में जो ईयर क्लिप है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। रबराइज जैसा मटेरियल है, आपके कानों के पीछे ज़्यादा पेन वेन की दिक्कत नहीं होती अगर आप इसको ज़्यादा समय तक भी इस्तेमाल करेंगे। और इनको लगाने के बाद आप वर्कआउट, रनिंग, जॉगिंग वगैरह के दौरान भी इनको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कानों से निकलेंगे नहीं। और अब बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट के बारे में। तो एम्पाओ का कहना है इसमें इस्तेमाल किया गया एक वेल ट्यून्ड ड्राइवर, साथ में एक CSR चिप जिसके जरिए आपको सुपर बेस मिलेगा, साथ में आपको रिच एंड क्रिस्प साउंड सुनने को मिल जाएगा। साथ में इसके अर्गोनॉमिक डिज़ाइन और 45 डिग्री के एंगल पर जो ईयरबड्स हैं वो टिल्टेड हैं, इनकी वजह से नॉइस कैंसिलेशन और आइसोलेशन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो अभी के लिए मैं तो पिछले कई दिनों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लें के थ्रू मिलने वाले साउंड आउटपुट को, बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली अब मैं बात करूं इन ईयरफोन्स के बारे में अपने ओपिनियन की, तो Amazon.in से ईयरफोन्स आपको मिल जाते हैं करीब 2000 रुपए के रेगुलर प्राइस में। 2000 रुपए के प्राइस में जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है वो काफी अच्छी है, जो वायर है टेंगल फ्री है, साथ के साथ काफी ज्यादा मजबूत भी है। साथ में बॉक्स के अंदर से भी आपको काफी सारी एक्सेसरीज मिल जाती है और काफी काम का ये आपको मिल जाता है एक कैरिंग केस, जो कि काफी यूजफुल हो सकता है आपके लिए ट्रेवलिंग के दौरान। जब भी कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने ईयरफोन्स को रख सकते हैं, साथ में जो एक्सेसरीज मिल रही है उन सबको एक साथ में रख सकते हैं और इसके बाद इसको बैग में कहीं भी डाल सकते हैं। और बात करें साउंड आउटपुट की, तो जैसे कि एम्पाओ का कहना था इसके जरिए आपको मिलेगा सुपर बेस, तो बेस तो काफी अच्छा मिल जाता है, काफी पंची बेस आपको सुनने को मिलता है। ओवरऑल जो साउंड आउटपुट है वो लाउड भी है, इतना ज्यादा लाउड नहीं है कि आप फुल वॉल्यूम पर ना सुन पाए, और फुल वॉल्यूम पर भी आपको जो बेस मिलता है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, लेकिन जो वोकल्स हैं और एकॉस्टिक्स हैं वो इतने ज्यादा क्लियर नहीं है। फुल वॉल्यूम पर भी आपको ट्रबल वगैरह इतना अच्छे से सुनाई नहीं देता है, सो थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वोकल्स और एकॉस्टिक्स के साथ में, बाकी जो कंप्लीट पैकेज मिल रहा है काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वाटर रेसिस्टेंट भी है, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाता है, तो जरूर से इन ईयरफोन्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 2 से 2500 रुपए के प्राइस में मुझे ये ईयरफोन्स थोड़े से ओवर प्राइस लगते हैं। प्राइस थोड़ा सा और कम होता जैसे कि Amazon.com जो USA वाला है वहां पर मिल रहे हैं $17 के, उस प्राइस को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो होगा करीब 1100-1200 रुपए के आसपास, 1100-1200 नहीं अगर 1500 रुपए तक भी आपको ये ईयरफोन मिले तो मेरे तरफ से एक पिक
हैं, जरूर से आप खरीद सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए अगर आप चाहें तो चैनल पर काफी सारे वीडियोस ईयरफोन्स के और भी अवेलेबल हैं, तो जाकर देख सकते हैं, इधर आई बटन में भी मैंने दिए हुए हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।